और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। नासिक हादसे की दिल दहलाने वाली तस्वीर आप जरा देखिए, जहां पर ऑक्सीजन लीक हो गया है। ऑक्सीजन लीक होने के दौरान हड़कंप मच गया था। मरीजों के जो परिजन हैं, चेस्ट पंप करते नजर आए अपनों के। ऑक्सीजन लीक होने के दौरान चेस्ट पंप की तस्वीरें सामने आई है, रूह कपा देने वाली है। नासिक हादसे में 22 मरीजों की मौत हुई दम घुटने से, लेकिन अभी भी जद्दोजहद परिजन की तरफ से जारी है कि उनके अपने वापस उनके पास लौट आए, सांस उनकी चलने लगे। क्योंकि देखिये ये वो तस्वीर है जहां ऑक्सीजन लीक होने के बाद 22 मरीजों की दम घुटने से मौत हो गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था और लोग किस तरीके से बदहवास हैं, लेकिन चेस्ट पंप लगातार कर रहे हैं इस उम्मीद में कि कहीं वापस धड़कन शुरू हो जाए और वापस इनके अपने इनके पास लौट आए। यहां विलाप हो रहा है, मातम पसरा हुआ है, हर तरफ चीख पुकार आपको सुनाई देगा। लेकिन ये तस्वीरें इस बीच देखिए, डॉक्टर और डॉक्टरों के साथ परिजन दोनों लगे हुए हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए, हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिर इस टैंक से ऑक्सीजन लीक हुआ कैसे, लेकिन देखिए किसी की भी लापरवाही से यहाँ पर टैंक लीक हुआ ऑक्सीजन का, लेकिन कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी जिन्हें इस ऑक्सीजन की बेहद ज़रूरत थी। देखिए सभी की सांसों की जो गति है वो अब फिर से एक बार थम सी गई है, धीरी हो गई है, और देखिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर मरीजों को ऑक्सीजन की थी। तो नासिक की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस हादसे में 22 मरीजों की मौत हो गई है और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर है उसमें देखिए आप, ऑक्सीजन लीक होने की वजह से सप्लाई अंदर बंद हुआ और दम घुटने की वजह से 22 मरीजों की मौत हो गई थी। और दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं उस वार्ड में जहाँ पर परिजन जो है वो मौजूद है और मरीजों ने दम तोड़ा, उन्हें वापस एक बार फिर किस तरीके से उनकी सांसें चले, हर वो मुमकिन कोशिश इनके तरफ से की जा रही है। डॉक्टर्स भी लगातार इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन 22 लोगों ने दम तोड़ दिया, 22 लोगों के मरने की खबर सामने आई। तो देखिए नासिक की ये बेहद दर्दनाक घटना जहां पर टैंक लीक हो गया ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन तहस नहस हो गया, मरीजों को ये अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि दूसरे ऑक्सीजन टैंक का इंतज़ाम अभी तक अस्पताल में नहीं हो पाया और इसीलिए देखिए कोविड मरीज किस तरीके से अस्पताल में तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन की इन्हें बेहद ज़रूरत है, लेकिन अभी तक मुहैया नहीं करवाई जा रही। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के नासिक से ही नासिक अस्पताल हादसे में मुआवजे का ऐलान किया गया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। पीड़ितों को 5-5 लाख मुआवजा देगी राज्य सरकार। ऑक्सीजन लीक होने से 22 मरीजों की मौत हुई थी, जिसको लेकर के राज्य सरकार ने यह ऐलान किया। जाकिर हुसैन अस्पताल में लीक हुई थी ऑक्सीजन, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। अब जो उनके परिवार वाले हैं उन्हें ये मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजे की रकम उन्हें सरकार की तरफ से दिया जाना है। मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, ऐलान किया गया है। ये सहायता राशि के तौर पे दिया जाएगा, मुआवजा है ये, राज्य सरकार देगी। ऑक्सीजन लीक होने की वजह से ये घटना हुई, 22 मरीजों की मौत हो गई। जाकिर हुसैन अस्पताल में लीक हुई थी ऑक्सीजन, जिसके बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे अफरा तफरी अस्पताल में इस वक्त भी मची हुई है। देखिए राज्य सरकार ने एक तरफ ये आदेश तो दे दिया है कि मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए परिजनों को दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो दूसरे मरीज हैं जो तड़प रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, अभी तक उनके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं किया गया है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के सेंट स्टीफंस अस्पताल में बस 2 घंटे की ऑक्सीजन ही बची है। सेंट स्टीफंस अस्पताल में कोरोना के 300 मरीज इस वक्त भर्ती हैं और सिर्फ 2 घंटे के लिए ही ऑक्सीजन है। 30,000 इलाके में ये जो सेंट स्टीफंस अस्पताल है वो स्थित है। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी ने सप्लाई रोकी है और लिंडे इंडिया कंपनी यहां पर ऑक्सीजन सप्लाई करती है इस अस्पताल में, लेकिन फिलहाल सप्लाई रोक दिया गया और सिर्फ 2 घंटे का ऑक्सीजन यहां इस अस्पताल में बचा हुआ है और यहां मरीज अभी भी एडमिट हैं। तो देखिए ये परिवार वालों के लिए कितनी दुखद और घबरा गए हैं सभी लोग, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का ऑक्सीजन यहां पर बचा हुआ है। हालांकि पहले ही सूचना दे दी गई है कि देखिए ऑक्सीजन की बेहद जरूरत है, लेकिन बावजूद इसके सप्लाई ही रोक दी गई। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली के डीडीओ अस्पताल से, जहां एक और मरीज की मौत हो गई है। दिल्ली में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। डीडीओ अस्पताल के बाहर एक और मौत, सुबह एक मरीज की मौत के बाद अब एक और मौत की खबर सामने आ रही है। देखिए एक और मरीज ने अस्पताल के परिसर में दम तोड़ दिया। सुबह एक बुजुर्ग की मौत हुई थी, उसे भर्ती न करने से उसकी जान चली गई। अब एक और मरीज ने अस्पताल कैंपस में दम तोड़ दिया, ये खबर मिल रही है। तो अस्पताल की दहलीज पर आने के बाद भी जो मरीज हैं वो दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि जो स्वास्थ्य
महकमा है और जो सिस्टम है वो दम तोड़ चुका है इस देश में। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, डीटीओ अस्पताल की, जहां अस्पताल की दहलीज पर आने के बाद भी, परिसर में आने के बाद भी उसे कोई भी स्वास्थ्य की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। इस वजह से दम टूटा उस मरीज का। इस वक्त हम दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मौजूद हैं और यहां आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से सुबह की जो तस्वीर आपको देखने को मिली थी, एक बार फिर से मुझे तस्वीर आपको एक बार फिर से विचलित कर सकती है। एक जो शख्स है वो देखिए किस तरह से बेसुध हालत में जो है वो पड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर लगातार चिंताजनक बनी हुई है हालात। और देखिए यहाँ परिजन जो हैं वो चीख चिल्ला रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे वहाँ पर कोई भी। भैया मैं अपने पापा को लेके घूम रहा हूँ, एक सिंगल हॉस्पिटल नहीं दिल्ली का, सब जगह देख ले। किस लिए पहुंचे थे? मैं कोविड के बेड के लिए पता करना, वो पॉजिटिव है ये एडमिट तक नहीं कर रहे, सिंगल है, पॉजिटिव है वो, पॉजिटिव थे रखा हुआ ऑटो में मैंने उनको, एडमिट तक नहीं कर रहे किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट में भी नहीं कर रहे भैया, मैं प्राइवेट तक में कराया दिल्ली के किसी भी नहीं भैया कर रहे। ये जो तस्वीर है कहीं ना कहीं जरूर अस्पताल पर लापरवाही एक तरह से बयां होती है कि लापरवाही का आलम इस तरह से है कि कोई भी अस्पताल का जो स्टाफ है वो लेकर नहीं पहुंचा है। और देखिए यहाँ जो तमाम लोग थे वो लेकर जा रहे हैं अब अस्पताल के अंदर। ऐसे में स्थिति जो है लगातार इस अस्पताल की चिंताजनक बनी हुई है। कैमरा पर्सन रंजन रस्तोगी के साथ सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए इस बीच एक और एक खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के सेंट स्टीफंस अस्पताल में क्या हालात हैं वो तो हमने आपको बता दिए, जहां पर 2 घंटे की ऑक्सीजन ही बची है सिर्फ। सेंट स्टीफंस अस्पताल में कोरोना के इस वक्त 300 मरीज भर्ती हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। सेंट स्टीफन अस्पताल की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ 2 घंटे का ऑक्सीजन सप्लाई यहां हो सकता है, क्योंकि जो कंपनी ऑक्सीजन यहां सप्लाई करती है उसने बंद कर दिया ऑक्सीजन, अब सिर्फ बैकअप में अगर अस्पताल प्रशासन के पास है तो वो सिर्फ 2 घंटे का। 2 घंटे के बाद क्या होगा और किस तरीके की तस्वीरें आएंगी अगर ऑक्सीजन यहां नहीं मिलता है मरीजों को, क्योंकि यहां 300 मरीज इस वक्त इस अस्पताल में भर्ती हैं, 2 घंटे का ही सिर्फ ऑक्सीजन अस्पताल के पास अब मौजूद है। तो देखिए उन 300 मरीजों के लिए कितना मुश्किल भरा ये वक्त है। हालांकि ऑक्सीजन की डिमांड की जा रही है कि जल्द से जल्द अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाया जाए, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे तक के लिए ऑक्सीजन बचा हुआ है। ऐसे में वो जो 300 मरीज यहां पर भर्ती हैं उनका क्या होगा अगर टाइम पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो। इधर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के स्टाफ की आज संवेदनहीनता की तस्वीरें सामने आई है। जब एक लड़की को कोविड के गंभीर लक्षण की शिकायत के चलते सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तब लड़की का भाई अपनी बहन को दीनदयाल अस्पताल लेकर के पहुंचा, उन्होंने अंदर घुसने तक नहीं दिया। लेकिन जी हिंदुस्तान के जाबाज रिपोर्टर सुमित कुमार ने लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जिसके बाद लड़की के परिवार वालों ने जी हिंदुस्तान का धन्यवाद भी किया। ये संवेदनहीनता है। जब तक मीडिया या फिर आपको ये डर नहीं कि अगर ये खबर बाहर चली गई तो आपके अस्पताल की फसीहत होगी, आपकी होगी, कार्रवाई होगी, तब तक आप क्या किसी मरीज का उपचार नहीं करेंगे, उसे उपचार नहीं मिलेगा? वही तस्वीरें आज दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से देखने को मिली हैं। सर यहाँ कोई किसी को सुन नहीं रहा है, जो सीरियस मरीज है उसको भी कोई सुन नहीं रहा। हमारी बहन 4 घंटे से यहाँ पे थी, हम लाइन में लगे हुए थे, हमने बोला है कि इमरजेंसी है, इनको सांस लेने में दिक्कत आ रही, चक्कर आ रहे हैं, इनको ले लो, इनका टेस्ट करवा दो। कह रहे हैं नहीं, लाइन में लगाओ। जो बाउंसर है ना वो कह रहे हैं कि किसको मरना है तो मरने दो, टाइम से आते वो। तो सर जी हिंदुस्तान वालों का धन्यवाद जिन्होंने करा के थोड़ा हेल्प करा दी एक इंसानियत के नाते। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर वैक्सीन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर ICMR की स्टडी में ये बड़ा दावा किया गया कि कोविड के अलग वेरिएंट के खत्म करने में सक्षम है पूरी तरह से कोवैक्सीन। कोरोना स्ट्रेन के डबल म्यूटेंट को भी मात देती है ये कोवैक्सीन, ICMR की तरफ से ये दावा किया गया है। देखिए इसके पहले भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर के ये दावे किए जा रहे थे, कोवैक्सीन ये जो नया स्ट्रेन है इससे भी लड़ने में सक्षम है। कोरोना से दिल्ली में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, LNJP अस्पताल में ICU बेड्स अब खत्म हो गए हैं, लिहाजा मरीजों को अस्पताल से वापस लौटा दिया जा रहा है। अस्पताल के हालात बयां करती ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के
एसओपी अस्पताल के बाहर स्थिति बेहद तनावपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर बेड सब खत्म हो चुके हैं। अस्पताल के बाहर की हम आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर कुछ देर पहले एम्बुलेंसेज का जमावड़ा लगा था और सभी एम्बुलेंसेज को साफ तौर से बोल दिया या तो आरएमएल लेके जाइए या तो जीटीबी लेके जाइए, यहाँ अब बेड्स खाली नहीं है। अंदर जो बोर्ड लगा है उस पर साफ तौर से दिखा दिया गया है कि 1500 बेड्स थे और 1500 के 1500 बेड्स खत्म हो चुके हैं, लिहाजा बाहर गेट पर कुछ सिक्योरिटी और वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं जो यहाँ से लोगों को वापस लौटा रहे हैं। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तीमारदार बेहद परेशान है, उनको पता नहीं कि उनके परिजनों के साथ हो क्या रहा है, स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है। ये स्थिति है दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की, क्योंकि धीरे धीरे बेड्स खत्म होते चले जा रहे हैं और लोगों को कहीं और शिफ्ट करने की या फिर कहीं और रेफर करने की जो बातें हैं वो डॉक्टर्स द्वारा की जा रही। तस्वीर आपको फिर से एलएनजेपी अस्पताल की दिखा देती हूँ जो यहाँ पे है। सर, आपके साथ क्या समस्या है? मैडम, मेरा ब्रदर इन लॉ है, वो एक हफ्ते से हॉस्पिटल में एडमिट है। आज काफ़ी सोर्स लगाने के बाद हमें पता चला है, हमने खुद कॉल किया है, जबकि आपके पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है और रेमडेसिविर इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटल वालों के पास अवेलेबल नहीं है। मैंने अपने खूब सोर्सेस लगा लिए हैं, कहीं बाहर भी अवेलेबल नहीं है। वैसी कंडीशन में हम लोग क्या करें? पेशेंट को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक इंजेक्शन आएगी नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते, यानी कि मरीज को ऐसे ही छोड़ दिया है। ऑक्सीजन लगा रखी है उनको, अभी केवल कह रहे हैं इंजेक्शन अगर आएगा तो उनकी रिकवरी होगी, उनका ऑक्सीजन रेट रेगुलर डाउन होता जा रहा है और कह रहे हैं इंजेक्शन का अरेंजमेंट करिए कैसे भी करके तो ही उनकी रिकवरी होगी। आपका हेडेक है, इंजेक्शन आपको आपको ही अरेंज करना है। प्रिस्क्रिप्शन लिख करके दिया है कि हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, बाहर से अरेंज करके ला के दीजिए हमको। सर, आप लोग के साथ कोई इशू अंदर अस्पताल को लेकर के, कोई एडमिट है आप लोगों का, किस तरह की कोई परेशानी? नहीं कोई परेशानी। ट्रीटमेंट सब ठीक चल रहा है आपके अकॉर्डिंग? शुरू करवाया अभी तो, लेके आए अभी, एडमिट कराया है, ठीक चल रहा, उम्मीद है ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी आपको एडमिशन लिया है, क्योंकि बोर्ड पे हम लोग देख रहे हैं कि बेड खत्म हो चुके हैं। जी, अभी एडमिशन ले लिया, व्हीलचेयर पे बिठाया हुआ है, ऑक्सीजन दे रहे हैं। और हमारी इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी लगातार जारी, आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।